पूर्व विधायक तथा भाजपा के ज्येष्ठ नेता अतुल देशकर के नेतृत्व में राष्ट्रीय महामार्ग पर भाजपा ने रास्ता रोको आंदोलन किया। तो आइए जानते हैं जिले के किस परिसर में यह रास्ता रोको आंदोलन किया गया। सीटीवी प्रतिनिधि मधुकर मेश्राम की इस खबर में। ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मपुरी सावली तहसील को जोड़ने वाले गंगलवाड़ी व्याड़ इस मुख्य रास्ते की जर्जर हालत काफी दिनों से है और यह रास्ता तैयार हो इसके लिए विविध राजनीतिक पार्टियां तथा सामाजिक संगठनों ने अनेक बार मांग किया मगर अभी भी रास्ते की खस्ता हाल बनी हुई है और इस संबंध में भाजपा की ओर से एक रास्ता रोको आंदोलन किया गया और भाजपा ने इस मौके पर स्थानीय विधायक विजय वडेट्टीवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रास्ते की दुर्दशा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय महामार्ग गंगलवाड़ी आरमोरी टी पॉइंट में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में नागरिक भी सहभागी हुए और इस मौके पर सभी ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मोर्चे का नेतृत्व पूर्व विधायक अतुल देशकर ने किया। इस मौके पर इस आंदोलन में महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा वंदना शिंदे, तालुका महामंत्री तथा पूर्व पंचायत समिति सभापति प्राध्यापक रामलाल दुनाटकर, तालुका अध्यक्ष अरुण शिंदे, विनायक बाकमोड़े, भरत किंडिके, नक्तू बंसोड आदि ने उपस्थितों को संबोधित भी किया। रास्ता रोको आंदोलन के तहत तकरीबन एक घंटे तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने तथा नागरिकों ने मिलकर चक्का जाम किया था। आरमोरी गंगलवाड़ी टी पॉइंट के तीनों रास्तों पर काफी दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि मधुकर मेश्राम की रिपोर्ट।